हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं जा रही हूँ ट्रेड फेयर, जो कि बहुत बड़ा मेला है। एक ही छत के नीचे आपको सारी चीज़ें मिलती हैं अलग अलग स्टेट की। तो हमने यहाँ मेट्रो स्टेशन से ले लिए है टिकट। करोल बाग मेट्रो स्टेशन पे टिकट मिल रही थी इसकी, तो हमें 80 रुपये की एक टिकट पड़ी, तो हमने 2 टिकट ली और बच्चों की है 40 रुपये की। यहाँ से हम सीधे जाएंगे मेट्रो से, हम अपनी स्कूटी से नहीं जा रहे हैं। तो हमने यहाँ से मेट्रो ली, मेट्रो लेके सीधा पहुंच गए हम प्रगति मैदान। तो ये है एंट्री गेट और यहाँ पे सारा लिखा हुआ है किस किस हॉल में क्या क्या है, तो आप यहाँ पर आके देख सकते हैं। और हम शुरू कर रहे हैं हॉल नंबर 1 से, तो हम पैदल वॉक करके जाना पड़ेगा और पैदल ही चलना है वहाँ पर। बच्चों को हो सके तो ना लेके आएँ, क्योंकि बहुत पैदल चलना पड़ता है। तो मैं जा रही हूँ हॉल नंबर 1 की तरफ, तो चलिए मेरे साथ। तो ये हॉल नंबर 1 से हम शुरू कर रहे हैं। अब हमने कर ली है एंट्री हॉल नंबर 1 में। तो और इसमें स्कूल के बच्चे भी आए हुए थे, मतलब बहुत सारे लोग थे। सुबह सुबह ही हम 10 बजे ही घर से निकल गए थे। तो ये पहले हम पहुंचे महाराष्ट्र के हॉल पे। हॉल नंबर 1 में ही महाराष्ट्र का हॉल लगा हुआ, फर्स्ट हॉल जो है। तो यहाँ पर बाऊजी खड़े थे, मतलब स्टैचू लगा रखा था एक बाऊजी का, उनसे मिल के हम चले गए अंदर। अंदर यहाँ पे चारों तरफ पूरी दुकानें लगी हुई हैं, हर एक स्टेट की दुकानें हैं यहाँ पर। क्या महाराष्ट्र में क्या क्या मिलता है उस हिसाब से। तो ये है सेल्फी पॉइंट, तो यहाँ पर आप सेल्फी क्लिक करा सकते हैं। अपनी फैमिली के साथ आए तो एक याद रह जाती है, बस आप सेल्फी लीजिए और फिर अपना टूर जो है शुरू कीजिए। तो हमने भी यहाँ पे एक सेल्फी ले ली, बट यहाँ समझ में नहीं आ रहा था कहाँ पर देखना है, किसको देखना है। तो हम सेल्फी लेके गए पहले। आगे एक स्टॉल लगा हुआ था, उसमें ये चटाई मिल रही थी, चटाई विद मतलब गद्दा बोल सकते हैं। ऊपर एक तरफ तो पूरा चटाई जैसा है और दूसरी तरफ है तो गद्दा लगा रखा है। इसका भैया चार्ज कर रहे थे 1500, मतलब आप गर्मी में भी या सर्दी में दोनों में यूज़ कर सकते हो इसको। और जो हैंगिंग वॉल था उसके 250 चार्ज कर रहे थे, और ये टेबल मैट था इसका ये 100 चार्ज कर रहे थे। बाकी जिन जिन्होंने मुझे कार्ड अपने दिए हैं उनके पूरा कार्ड के अंदर नंबर लिखा हुआ है, आप खुद फ़ोन करके उनसे बात कर सकते हैं। जूम करके देख लीजिए क्या नंबर है, क्या शॉप का नाम है और कहाँ पर है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमें अगली शॉप, ये स्टॉल मिला चप्पलों का, जो कि कोल्हापुरी टाइप की यहाँ पे स्लीपर थे, बैलीज थी, लेदर की थी फुल। 800-900 भैया इनके चार्ज कर रहे थे। ये महाराष्ट्र के अंदर ही आपको मिलेगा। उसके बाद हम शुरू हो गए पेट पूजा में। यहाँ पर आपको जगह जगह खाने के स्टॉल मिलेंगे, आप टेस्ट भी कीजिए और वहाँ से आप ले भी सकते हैं। इनके पास तरह तरह के पापड़ थे, और मतलब जो भी फ्राई की आइटम, फ्राई करो या एयर फ्रायर में फ्राई कर लो आप, तो वो सारी आइटम थी। स्नैकिंग के लिए बहुत ही बढ़िया जुगाड़ था स्नैकिंग का यहाँ पर, और अलग अलग टाइप की थी, चावल की, केले की, रागी के आटे की, आम पापड़ भी मिल रहा था इवन यहाँ पर। तो आप यहाँ से इस तरह की आइटम जो है वो ले सकते हैं। बाकी मैं एक बार ये दिखा देती हूँ आपको पूरा, ये पूरा इस तरह से थ्री कॉर्नर्स जो हैं वो इसी टाइप के स्टॉल से लगा हुआ है। बाकी इसमें यहाँ पर इस तरह का बीच में एक पॉइंट दे रखा था जिससे एट्रैक्टिव होते हैं लोग, क्योंकि इसमें एक लाइट सी जल कुछ हिल रहा था, अंदर फैन सा चल रहा था, उसमें लाइट आ रही थी तो अच्छा लग रहा था देखने में। बाकी ये साड़ियों का पूरा वो लगा रखा था, मैनिक्यून पे साड़ियाँ लगा रही थी, बहुत ही सुंदर साड़ी थी। तो हम इनके स्टॉल पे एक बारी चले गए, देखते हैं क्या प्राइस है। तो ये थी साड़ियाँ, बहुत ही सुंदर साड़ी थी, बहुत ही बढ़िया लग रही थी, सेमी पेटेंट में थी ये, और 3500 की दीदी चार्ज कर रही थी। ये 4000 की, और ये कॉटन की थी जो कि 6000 रुपये की चार्ज कर रही थी दीदी यहाँ पर। बहुत ही सुंदर लग रही थी साड़ियाँ, एकदम कलर बहुत ही एकदम बढ़िया थे जो होने चाहिए जिस तरह के कलर। ये इन्होंने कॉटन की साड़ी है आपको खुले भी दिखा रही है। बाकी ये जो साड़ी है सामने लगी हुई है, डबल पल्लू की साड़ी है, ये 8000 रुपये की भी दीदी चार्ज कर रही थी। और इनके पास और भी वैरायटी थी साड़ीज़ में, थोड़ा कॉस्टली था लेकिन प्योर में था, आप यहाँ से जाके देख सकते हैं। ये पर्सेस के भी 500 चार्ज कर रहे थे, इसमें जो बड़ा वाला है उसके 1000 रुपये दीदी चार्ज कर रही थी। पोटलियाँ भी थी जो कि 600 की थी। तो आप देख सकते हैं अगर आपके रेंज में ये आती है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। इनका नंबर है, आप इनसे फ़ोन करके बात कर सकते हैं। और इनका बनाने का तरीका भी देखिए कैसे बनाते हैं, एक एक धागे को
और लगा लगा के इस तरह से ये साड़ियाँ बनती हैं। बहुत मेहनत लगती है यार साड़ी में, ये देखो बना रहे हैं भैया, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इस साड़ी बनाने के अंदर, एक साड़ी के अंदर ही एक एक धागे को लगा लगा के डिज़ाइन पूरा करना पड़ता है। तो यहाँ पे दिखाया हुआ था तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ एक दीदी के पास गई, ये दीदी मिट्टी से आर्ट बना रही थी, मतलब ये भैया बैठे हैं इनका फेस बना रही थी, आपको अभी बना के देंगी हाथ के हाथ ही 30 मिनट के अंदर, जिसका ये चार्ज कर रही थी 1000 रुपये। तो आप इस तरह की चीज़ों में अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो आप यहाँ से अपना फेस आर्ट भी बनवा सकते हैं। बाकी ये इस तरह की थोड़ी ज्वेलरी है वो सेल करनी थी, जो कि 1200 का दीदी चार्ज कर रही थी। तो ये देखिए इन्होंने पहन भी रखी है, और ये बहुत ही सुंदर लग रहा था जो आर्ट वर्क ये कर रही थी मिट्टी से, मतलब आपके सामने सामने आपको ये इस तरह से बना के देंगे। बाकी यहाँ पे फिर अगेन चप्पलें, और ये सोया की आइटम थी कुछ, तो जो नॉन वेज नहीं खाते हैं वो यहाँ से सोया आइटम ले सकते हैं। बाकी हम आ गए हैं कश्मीर का स्टॉल लगा हुआ था यहाँ पर सामने, जम्मू एंड कश्मीर का, तो ये स्टॉल पे चले गए। ये पश्मीना का सूट था जो कि 4500 में दे रहे थे। पश्मीना कांजी वर्क की जो एम्ब्रॉयडरी होती है ना वो इसलिए करी हुई थी, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से इन्होंने करी थी। और चार्ज भी बिल्कुल ठीक थे, 4500 रुपये ये चार्ज कर रहे थे, बहुत ही सही लगा मुझे इनका रेट। पश्मीना पे 4500 में अगर इस तरह की आपको जैकेट मिल रही है या सूट्स मिल रहे हैं तो वर्थ इट है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसकी जो कारीगरी है ना ये भी बहुत बारीकी तरीके से की जाती है। बाकी इनके पास और भी प्राइस थे, अलग अलग रेंज में थी। ये बच्चों के लिए है जो कश्मीरी बुनाई में होता है, वो 1200 का भैया चार्ज कर रहे थे। और इस तरह के यहाँ पे सूट्स थे, अब सर्दियाँ हैं तो गर्म सूट आप यहाँ से ले सकते हैं, ये मोटी बुनाई के अंदर ही है, ये 2500 का भैया चार्ज कर रहे थे। और भी वैरायटी है, शॉल्स वगैरह लेना चाहते हैं, शॉल सूट्स में गर्म सूट कोट्स वगैरह लेना चाहते हैं वो इनके पास मिल जाएंगे। ये इनकी शॉप है, हनुमान मंदिर है उसके बिल्कुल ऑपोजिट लगती है इनकी शॉप, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। ये देखो ये भैया पश्मीना पे काम कर रहे हैं, इस तरीके से हाथ से ये काम करते हैं, महीने महीने लग जाते हैं एक एक सूट को बनाने में। तो ये पूरा लिखा हुआ है, इनका नाम भी है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है इन्होंने, तो उसमें भी नाम है, और हमारे मोदी जी से भी इनको अप्रिसिएशन मिली हुई है। तो फिर उसके बाद हम आ गए, ये अब सबके घर में कीड़े मकोड़े थोड़े बहुत मिल ही जाते हैं, कभी कॉकरोच हो जाते हैं, कोई मच्छर हो जाते हैं, तो मैंने बोला ये भी इसकी भी दवाई मिल रही थी वहाँ पर, वो भी देखी। बाकी इस तरह की आपको साड़ियाँ मिल जाएंगी 1200 के अंदर, ये बहुत ही बढ़िया होती है, इसमें कॉटन मिक्स होता है, कॉटन सिल्क मिक्स होता है इसके अंदर, तो ये साड़ियाँ बहुत ही बढ़िया, रेंज भी सही थी, बाकी बार्गेनिंग भी हो ही जाती है यहाँ पर। अगर आप करने वाले हो, मेरी वीडियो देखते हो, तो बार्गेनिंग तो मैं तो बोलूँ सब जगह ही करना, बार्गेनिंग अच्छे से होती है तो आप यहाँ कर सकते हो। और एक ये था, ये नाड़ी देख के आपका बता देंगे दिल का हाल कि आपका क्या चल रहा है आपके अंदर। तो अगर इस तरह की जड़ी बूटियों से आप इलाज कराना चाहते हैं, ऑयल वगैरह सा था, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो या अपना इलाज करा सकते हो। बाकी ये कश्मीर का दोबारा स्टॉल पे आ गए, ये शिकारा दे रहे थे हमें 350 का भैया चार्ज कर रहे थे यहाँ पर। और इस तरह के ये ज्वेलरी बॉक्सेस हैं जो 200 के भैया चार्ज कर रहे थे, ज्वेलरी बॉक्स से ही से खुल जाते हैं यहाँ पे आप, ये भी ज्वेलरी बॉक्स है, डॉग के लिए फूड का वो टब भी ले सकते हो। बाकी इस तरह की बैंगल्स भी ये दे रहे थे, उन्हीं की आर्ट करी हुई, कश्मीरी आर्ट करा हुआ यहाँ पे सामान मिल रहा था, ग्लास जग वगैरह ये सब चीज़ यहाँ पर मिलेंगी। यहाँ पे और भी सामान था तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, इस तरह के टॉयज़ भी मिल रहे थे, तो ये तो आम जगह भी मिल जाते हैं, बट मैं एक बारी आपको दिखा दिया। फिर आ गए हम दिल्ली, दिल्ली पहुँचे हैं यहाँ से सीधे महाराष्ट्र से। तो अब दिल्ली में सबसे पहले आपको यहाँ पर, अगर कहीं और से आप घूम के आ रहे हो और स्टॉलों से, तो यहाँ पर आप मसाज भी ले सकते हैं, यहाँ मसाज भी हो रही थी, कुछ फ्री में मसाज है, किसी के लिए आपको पैसे चार्ज करने पड़ेंगे। बाकी यहाँ से ट्रेडमिल वगैरह ये इस टाइप की आइटम आप यहाँ से खरीद सकते हैं। फिर हम आ गए यहाँ पर, ये था पनीर टिक्का वगैरह बनाने के लिए, जो कि गैस पे रख के आप बना सकते हो, इसका भैया 600
चार्ज कर रहे थे। कुछ नहीं करना आपको, इसको गैस पे रखना है और अपना जो आइटम जो बनानी है वो आप रख के इसको ट्राई कर बना सकते हैं। बाकी मैंने आपको और भी चीज़ों के रेट दिखाए हैं। 600 का ये काली मिर्च जो पीसते हैं वो है, और बाकी यहाँ पे चॉपर वगैरह मिल जाएंगे। और अगर आपको प्योर ऑयल चाहिए तो वो आपको यहाँ पे मिलेगा। ये आपको बादाम का तेल भी आपके सामने निकाल के देंगे और नारियल का तेल भी। आप बादाम लीजिए, जितने भी बादाम आपको लेने हैं, किलो लेना है या पाव लेना है, जितना भी आपको लेना है, ये उतने ही बादाम डाल के आपको ऑयल निकाल देंगे। और यहाँ पे मतलब खोपरे का भी जो ऑयल होता है वो भी निकाल के आपको हाथ के हाथ देंगे। कोई मिलावट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल एकदम सही आपका ऑयल मिल जाएगा आपको प्योर में। बाकी इस तरह के आपको ब्रेसलेट मिल जाएंगे, क्रिस्टल में थे ये और स्टोन के अंदर भी थे। तो 149 दीदी चार्ज कर रही थी और 399 इनके अलग अलग प्राइस थे। ऊपर जो क्रिस्टल वाले हैं वो 399 के थे और जो नीचे वाले हैं स्टोन में थे वो जो 149 के थे। तो आप यहाँ पर आके इस तरह के यादगार भी लेके जा सकते हैं। और ये दीदी के पास ब्रेसलेट भी थे जिसका दीदी 400 चार्ज कर रही थी। स्टोन वाले ब्रेसलेट थे, अच्छे थे, सिल्वर ज्वेलरी के अंदर थे। तो आप यहाँ से इस तरह के ब्रेसलेट भी अपने फ्रेंड्स को दे सकते हैं। और भी इयररिंग्स वगैरह रिंग वगैरह थी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्टोन के अंदर था सारा। तो उनके रेंज भी इतने ही इसी रेंज के अंदर है, 400-300 ब्रेसलेट वगैरह वो भी। और एक ये बहुत ही बढ़िया मेरे को शॉप लगी, इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें थी। फ्रिज मैग्नेट था, आपको हैंगिंग में था यहाँ पर, मगर सबके ना प्राइजेस जो थे वो अलग थे, मतलब अलग चीज़ से बना हुआ है और प्राइजेस थोड़े हाई थे। वो आप जाओगे आपको जब ही पता चलेगा आपको किस तरह से, मतलब वो चीज़ मैं आपको बता नहीं सकती हूँ सामने से क्या थी और कैमरे पे क्या दिख रही होगी। ये देखिए ये बहुत ही सुंदर था, 11,000 रुपये का दीदी ने हमें बताया था इसका, बहुत ही सुंदर। इसमें डिफरेंट डिफरेंट लाइटें हैं जो कि दीदी अभी हमें चला के भी बताएंगी। बुद्धा जी की स्टैचू लगा हुआ है छोटा सा, और यहाँ पे ऊपर जो है क्रिस्टल का, जो इसका पीछे राउंड दिख रहा है वो क्रिस्टल के अंदर है, बहुत ही सुंदर अल्टीमेट था। और जो नीचे प्लेटफॉर्म है वो लकड़ी का है, वुडन का जो प्लेटफॉर्म है। बाकी बुद्धा जी की मूर्ति देखिए आपके सामने, कलर इतने स्मूदिंग कलर थे, आँख को बिल्कुल आराम देने वाले। अगर आपके कमरे में या आप कहीं मेडिटेशन कर रहे हैं या योगा कर रहे हैं तो इस टाइप की डिम लाइट चला दीजिए, बहुत ही मज़ा आता है, मतलब योगा वोगा करने के अंदर इस तरह का, या घर में भी आप इस तरह से चला के रख सकते हैं। ये इनका कार्ड था वो मैंने आपको दिखा दिया है। ये फ्रिज मैग्नेट है अलग अलग तरह की, जो 150, 200, 300 की दीदी यहाँ पे चार्ज कर रही थी। बहुत ही अलग अलग यूनिक चीज़ें थी इनके पास, डिफरेंट टाइप की, बहुत ही सुंदर लग रही थी। इनके पास घड़ी भी उसी हिसाब से थी, सब चीज़ बहुत ही अलग था। और ये मैं डिफरेंट स्टॉल पे आ गई हूँ, ये 1 से लेके 5 तक हम ऐसे ही घूमेंगे, उसी के अंदर ही आपको मिल जाएगा 1 से लेके 5 तक हॉल में। तो ये 3500 की मुझे ये हैंगिंग में बता रहे थे भैया, चाइम टाइप की बोल सकते हैं इसका छोटा, जो कि वो 2000 रुपये का भैया चार्ज कर रहे थे। बाकी इस तरह की आपको आइटम मिल जाएगी, डेकोर के लिए भी मिल जाएगा और किचन की भी आइटम आपको मिल जाएगी किचन में रखने के लिए, जैसे अचार वगैरह चटनी रखनी हो। तो सबके जो प्राइस है वो लिखे हुए हैं और जिनके नहीं दिखे वो उसमें मैंने मेंशन कर दिए हैं। तो आप जूम करके इनके प्राइजेस देख सकते हैं किस किस प्राइस में क्या क्या है, मैंने सबका बताया हुआ। बहुत ही सुंदर ट्रे वगैरह हांडी टाइप ये सब चीज़ बहुत ही अच्छा लग रहा था, एकदम यूनिक था। तो आप इस तरह का यहाँ से देख सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। बाकी ये ज्वेलरी भी ये भैया बना रहे थे, सबके प्राइजेस अलग अलग हैं। एक अलग आर्ट था जो कि मुझे यहाँ पे देखने को मिला, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हम आ गए हैं काबुल के स्टॉल पर, इधर मिल रहे थे सैफ्रन, मतलब कि केसर यहाँ पे मिल रही थी। भैया ओरिजिनल बता रहे थे, काबुल का बताए हुए थे, काबुल से लेके आए हैं। तो मैं आपको इनके प्राइस भी बता देती हूँ, सबके प्राइस मैंने मेंशन कर दिए हैं कितने ग्राम कितने की है। तो ये 5 ग्राम की 1200 रुपये की है, 1 ग्राम की 300 की और 2 ग्राम की 500 रुपये की। तो आप बड़ा वाला लेते हो तो बेनिफिट होता है,
आपको, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। इन्होंने ये पानी में डाल के भी रख रखी है। बाकी अगर आप ओरिजिनल पहचान सकते हैं तो आप यहाँ पे आके पहचान भी सकते हैं कि ओरिजिनल कैसी सैफ्रन ओरिजिनल कौन सी होती है, तो आप अपने हिसाब से ही देख सकते हैं। इनके पास और भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह थे। इनका जो खजूर था भाई साहब, जो आम खजूर होता ना उससे डबल था, जिसका प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा था। 1800 रुपये किलो ये खजूर था। ये काबुल का खजूर था और बहुत बड़ा खजूर था, बहुत ही बढ़िया लग रहा था, खाने में भी बहुत टेस्टी था। तो यहाँ से आप ये ले खजूर लेके जा सकते हैं। ड्राई फ्रूट जो भी आइटम थी वो ड्राई फ्रूट की, वो यहाँ से आप ले सकते हैं। मिक्स डाइट कॉन्शियस हैं तो आप मिक्स ड्राई फ्रूट भी यहाँ से ले सकते हैं, जिसमें सीड्स वगैरह होती हैं। और इस तरह के आपको चाय पत्ती का स्टॉल मिल जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की यहाँ पे चाय दीदी ने लगा रखी थी। ये मसाले का स्टॉल था, टेस्टिंग के लिए मसाले लेके जा सकते हैं आप। 10-10 रुपये में पैकेट भी थे, तो यहाँ से मसाले भी मिल जाएंगे। और हर तरह का मसाला था, बिरयानी मसाला, कबाब मसाला, सब टाइप का मसाला था। बाकी यहाँ आपको हैवी जो पार्टी वेयर जो चप्पलें होती हैं वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं, बैली वगैरह। और ये आगे आ गए हम, इधर सूट्स मिल रहे थे, कॉर्सेट जो कि 1500 की दीदी चार्ज कर रही थी। कॉर्सेट 1500 का, मतलब कोई भी आप कुछ भी ले लीजिए, लॉन्ग सूट या कॉर्सेट 1500 का दीदी ने बताया था, कुछ भी लीजिए 1500, हैवी से हैवी और लाइट से लाइट। बट कपड़ा बहुत अच्छा था, सॉफ्ट कपड़ा था। तो अगर आप इस तरह का आपको सूट्स वगैरह लेनी है तो आप यहाँ से वो भी ले सकते हैं। एक मतलब एक वो होता है कि हम ट्रेड फेयर से ये आइटम हम लेके आए हैं, नहीं तो बाहर तो मिल ही जाती है आपको सस्ती, लेकिन एक अलग वो हो जाता है कि हम आए हैं तो कुछ लेके जा सकते हैं। बाकी इस तरह का आपको ले सकते हो 2350 के अंदर, इस टाइप का लॉन्ग सूट मिल जाएंगे अच्छे सिल्क जैसे मटेरियल के अंदर। 3500 का ये मिल जाएगा। सबके अलग अलग प्राइस थे तो आप अपने हिसाब से देखना। बाकी एक लाइन बनाई थी जिनके अलग अलग प्राइस थे, जो थोड़े से 2000 के आसपास थे। बाकी 1500 के अंदर उन्होंने सारा लगाया हुआ था, जो और कॉर्सेट वगैरह जो नॉर्मल सूट होते हैं वो बड़े अच्छे क्वालिटी के हैं, जो वो लगाए हुए थे। इनके पास ये भी थे, इस तरह के आप सूट्स ले सकते हो, सिल्क जैसे मटेरियल के अंदर है ये भी। तो प्राइस मैंने आपको दिखा दिए, सारा मटेरियल है इनके पास और अच्छा मटेरियल है और एकदम बढ़िया एम्ब्रॉयडरी मटेरियल है। बाकी ये होम डिलीवरी करते हैं, इनका मैं आपको कार्ड दिखा देती हूँ सारा सब कुछ, तो वो आप इनसे फ़ोन करके बात कर सकते हैं, ये होम डिलीवरी भी करवा देंगे। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, इनके पास वैरायटी बहुत है, मटेरियल बहुत अच्छा है, सूट्स जो हैं बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं और डिफरेंट डिफरेंट रेंज में हैं। तो कार्ड में मैंने आपको दिखा दिया है, आप इनसे फ़ोन करके बात कर सकते हैं, इनसे पूछ सकते हैं कहाँ पर इनका लोकेशन है, वो सब ये बता देंगे। बाकी इस तरह के हम आर्ट पीस पे आ जाते हैं, तो ये आर्ट पीस जो एलिफेंट वाला दिखा रहे हैं भैया, ये 2700 का है। तो इस तरह के अगर आर्ट पीस आप लेना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये सारा आर्ट का ही पूरा स्टॉल था यहाँ पर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी हम आगे यहाँ निकल गए, तो ये था बहुत ही बेहतरीन पार्ट जो कि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये भी आर्ट पीस ही हैं लेकिन बहुत ही सुंदर लग रहा था, इस तरह का आर्ट मैंने देखा नहीं। इनके पास एक ये पर्स था तो मुझे ऐसा लगा कि ये भारी होगा। पहले तो मैंने दीदी से इसका प्राइस पूछा, फिर मैंने इनको बोला कि मुझे दिखा सकते हो, तो वो उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल मैं आपको दिखाऊंगी, तो उन्होंने मुझे दिखाया। तो ये मैंने इसको जब हाथ में लिया ना भाई साहब, इतना लाइट वेट था, ये लग ऐसा रहा था जैसे स्टोन में बना हुआ है और बहुत ज़्यादा हैवी होगा। पूरा एकदम वर्क किया हुआ था स्टोन का, इसके ऊपर डायमंड का वर्क जो होता है वो चिपकाए हुए थे, और ये एकदम हल्का था बिल्कुल। और इसकी जो लुक आ रही थी ना, वो ऐसे लग रही थी जैसे मार्बल की बनी हुई है। बहुत ही प्यारा पीस था, बहुत ही सुंदर लग रहा था और डिफरेंट लग रहा था। पर्स जैसे हमने और भी देखे हैं, कपड़े लेस लगे हुए होते हैं, ये बिल्कुल अलग था। कि ये हम्प्टी टेम्पल का बहुत ही सुंदर एक आर्ट पीस था,
जो कि टेराकोटा मटेरियल में बना हुआ था और बहुत ही यूनिक पीस लग रहा था। आप गूगल में डाल के देखोगे तो आपको यही पीस सामने आएगा। तो ये 7000 का दीदी चार्ज कर रहे थे। और उसके बाद मैंने एक चीज़ और देखी, एक ये पॉट दिखाएंगे, सामने ही रखा हुआ है ब्लैक कलर का पॉट, जो कि ये वाला ब्राउन ब्लैक वाला, जो कि दीदी बता रहे थे ये दूध उबाल उबाल के बनता है ये सारा। तो मैंने इसको सूंघ के देखा तो मुझे तो दूध की तो खुशबू आई नहीं, तो मैंने दीदी को बोला कि इसमें दूध की खुशबू नहीं आ रही है, तो वो बोले नहीं ऐसे नहीं पता चलेगा। तो मैंने बोला दूध डाल के देखूँ क्या इसमें, बट बहुत सुंदर लग रहा था। इस तरह की आपको दोबारा अगेन ये चटाइयाँ मिल जाएंगी जो 1500 चार्ज कर रहे थे। बाकी अक्षरधाम का स्टैचू था जिसमें आप अपनी फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं जहाँ पर। बाकी हम आ गए यहाँ पर झारखंड वाले एरिए में, ये झारखंड का आपको सारा यहाँ पर मिलेगा जो भी हैंडवर्क होता है झारखंड की। इस तरह की आपको ट्रेवल पेंटिंग मिल जाएंगी जो कि 300 भैया चार्ज कर रहे थे। और इसको बनाना इतना डिफ़िकल्ट है, एक तो हाथ से बनती है, ऊपर से इसमें कलर का कोई यूज़ नहीं होता है, जो स्टोन होते हैं जो पत्थर होते हैं उन्हीं को घिस घिस के ये कलर बनाते हैं और उसी से ही इस जो पेंटिंग है उसको कलर करते हैं। बहुत ही सुंदर आर्ट पीस था ये, आप ले जा सकते हैं अपने घर के लिए दिखाने के लिए। बच्चों को भी इस तरह की चीज़ें आप दिखाते हो तो माइंड जो है डेवलप होता है उनका अलग अलग क्रिएटिविटी करने के लिए। बाकी ये सिल्वर ज्वेलरी थी और ये सारा ही सिल्वर के अंदर है, जो 92.5 बता रही थी दीदी सिल्वर ज्वेलरी है 92.5 में कैरेट में टाइप। तो ये इनके रेंज अलग अलग थे, कोई 2000, कोई 3000, कोई 4000। और ये कड़े जो थे 6000 रुपये का जोड़ा दे रहे थे। ये हसली थी, 6000 रुपये की एक पीस थी। और पैर की भी, ये पैरों की है, ये भी दीदी 6000 रुपये चार्ज कर रही थी। आप यहाँ से सिल्वर ज्वेलरी के शौकीन हैं तो आप सिल्वर ज्वेलरी यहाँ से लेके जा सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सिल्वर ज्वेलरी थी। बाकी इस तरह का आपको झारखंड का वो मिल जाएंगी ड्रेस मटेरियल टाइप का। और ये यहाँ पर कागज़ के फूल बनाए हुए थे और ये जो था मतलब पॉट जो जिसमें फूल आपको लगाना है, ये 250 का दीदी चार्ज कर रहे थे, मेटल के अंदर था। इसमें बैम्बू का भी था इनके पास, तो वो भी आप ले सकते हो लकड़ी का अगर चाहते हो तो। और ये जो एक स्टिक फ्लावर की है ना 25 रुपीज़ की दे रही थी दीदी, तो आप यहाँ से इस तरह का भी लेके जा सकते हो। और ये हैंडलूम का जो झारखंड का है वो टोपी मिल रही थी यहाँ पर 400 रुपये की चार्ज कर रहे थे। और ये शर्ट जो है 2400 का चार्ज कर रहे थे। तो आप यहाँ से और भी वैरायटी देख सकते हैं इनके पास। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, साड़ियाँ सूट मटेरियल सब झारखंड का स्पेशलिटी जो होती है वो चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो इस तरह की अगर आपको ज्वेलरी चाहते हो झारखंड की ज्वेलरी तो वो आपको मिल जाएगी। ये क्या बोलते हैं मेटल वाली ज्वेलरी जो होती है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी ब्रास के अंदर। ये हसली थी जो कि 600 की भैया चार्ज कर रहे थे। यहाँ पर सारा ब्रास के अंदर ही है जो भी आइटम यहाँ पे दिख रही है आपको, चाहे वो आप एक स्टैचू लोगे वो भी ब्रास के अंदर मिलेगा, ज्वेलरी है वो भी ब्रास के अंदर। बाकी आपको अगेन फिर से यहाँ पे जो मुनक्का होती है किशमिश बड़ी वाली वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। पहले आप टेस्ट करना, बाकी आपको टेस्ट अच्छा लगता है तो फिर आप यहाँ से खरीद भी सकते हो। तो इस तरह की फूड आइटम तो बहुत सारी है जो कि मैं आगे आपको दिखाऊंगी और आपके आप ज़रूर से देखना। और सूखी चटनी ड्राई चटनी जो बोलते हैं वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो अगर मेरी वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी निकल रहे हैं हम आगे, यहीं से गेट से आगे निकले हैं। आगे निकल के हम पहुँच गए परम, ये डेरी प्रोडक्ट है तो उसके पास हम पहुंच गए हैं। तो आप यहां से दूध वगैरह ले सकते हैं पीने के लिए। अब हम उत्तर प्रदेश के अंदर एंटर कर चुके हैं, मतलब स्टॉल के अंदर। तो 6000 और 20000 भैया ने चार्ज करा था। इनका जो स्टैचू आप देख रहे हो ये 60000 रुपये का था, सारा ही मेटल के अंदर है, ब्रास में ही है। इसमें आपको छोटे पीसेस में मिल जाएंगे भगवान जी के या जो भी आप चाहते हो वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। बाकी उत्तराखंड का और भी यहाँ पे देख लीजिए, सब उसी तरह की चीज़ें थी
जो मैं आपको दिखा रही हूँ हर एक स्टॉल में उसी टाइप का चीज़ें थी। यहाँ पे इत्र भी मिल रहे थे, तो इत्र के अगर आप शौकीन हैं तो यहाँ से इत्र भी ले सकते हैं। और ये आपको बहुत ही बढ़िया चीज़ मिलेगी, ये भी उत्तराखंड के अंदर ही है सारा, जो लकड़ी पे बनाया हुआ है और लाइटिंग भी की भी है। इसमें आपको वॉल क्लॉक मिल जाएगी, आपको बहुत सारी आइटम मिल जाएगी, किचन के लिए आपको आइटम मिल जाएंगे। हर एक स्टॉल पे अलग अलग चीज़ थी। और ये तो पूरा सदर बाज़ार ही लग रहा था, ऐसे लग रहा था सदर बाज़ार का कोई काउंटर है, उसके अंदर मैं आ गई हूँ। सब क्लचर पिन वगैरह यहाँ सब चीज़ मिल जाएंगी आपको, पूरा हेयर एक्सेसरीज टाइप बोलते हैं वो। और ये एक सिल्वर का ही है पूरा काउंटर, जिसमें आपको सिल्वर ज्वेलरी ही मिलेगी आपको, स्टोन के अंदर, विदाउट स्टोन के अंदर पूरी सिल्वर ज्वेलरी थी, जो पुराने टाइम की होती थी ना वो भी ज्वेलरी यहाँ मिल रही थी। ये मेरे को बड़ी वाली रिंग पसंद आई थी, जो कि मैंने रेट आपको बता दिए हैं, तो इसी रेंज के अंदर आपको, मतलब इससे कम रेंज भी मिलेगा, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ये पायल भी मुझे पसंद आई, 250 ग्राम की, 34,000 रुपये की भैया चार्ज कर रहे थे। इसमें बीच बीच में जो नग लगे हुए थे रेड कलर के, तो आप यहाँ पर इस तरह की अगर चीज़ों के शौकीन हैं तो आप देख सकते हैं। कि चांदी का पर्स, चांदी की जुत्ती, चांदी के नेकलेस वगैरह टाइप के यहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा। और ये 1199 के अंदर भैया ने सेल लगा रखी थी सूट्स की, मतलब ट्रेड फेयर के अंदर सेल सूट्स की सेल। तो ये 3, 4, 5 पूरा एरिया है एक, ये बिहार का स्टॉल है जहाँ मावे से भरी अनरसा मिल रही 40 रुपये का एक पीस और 800 रुपये के जी। इस तरह की आपको मूंगफली वाली गजक मिल जाएंगी, पट्टियाँ मिल जाएंगी, यहाँ सारी आइटम लिखी हुई है। ये बोल रहे थे देसी घी के यहाँ पे लड्डू भी मिल जाएंगे, तो आप यहाँ से ले सकते हैं स्नैकिंग के लिए। बहुत ही अच्छी आइटम थी जो कि बिहार की थी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह के आपको रस्सियों से बने हुए लैंप मिल जाएंगे, यहाँ बहुत ही यूनिक चीज़ थी, मतलब मैंने फर्स्ट टाइम देखी थी ये चीज़, सब चीज़ें जो बोरी होती है ना, बोरी जब पहले टाइम पे हम क्या करते थे, मैट नहीं होते ना, तो हम बोरी बिछा के उस पर पैर साफ करके जाते थे। यहाँ बोरियों की आपको इस तरह की जैकेट मिल जाएगी, और प्राइस भी 500, मतलब इतने रीजनेबल प्राइस के अंदर ये बोरी की जैकेट बनी हुई। आप ध्यान से देखोगे तो पूरा बोरी पे इस तरह की लेस लगा रखी है, सीपी वाली पूरा एकदम जैकेट बना रखी है, बच्चों की जैकेट बनी हुई है। बोरी है, बोरी टिपिकल बोरी जो होती है, वहाँ पे स्कर्ट्स रखी हुई है, बोरी की ड्रेस रखी हुई है पूरी। ये नीचे एक ड्रेस बनाई हुई है फ्रिल वाली, ये भी बोरी की है। इसमें अच्छे से लेस लगा के, मतलब दिमाग कितना चलता है इन लोगों का कि बोरी की ड्रेस बना दी इन्होंने। और इस तरह की आप पेंटिंग भी ले सकते हैं, जो बिहार की ट्रेडिशनल आर्ट वर्क है पेंटिंग, वो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ये था पूरा हॉल, ये आप देख लीजिए, पूरा हॉल मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि सब में उसी टाइप का ही पूरा वो था, ऑयल था, क्या बोलते हैं, किचन आइटम थी इस टाइप की थी। बाकी ये बीच में बापूजी बना रखे थे, जो सेल्फी पॉइंट के हिसाब से ठीक था, सब सेल्फी ले रहे थे, फ़ोटोज़ खिंचवा रहे थे। बाकी हम आ गए एक ये स्टॉल पे, इस पर ये दुपट्टा 1200 रुपये का भैया चार्ज कर रहे थे, दुपट्टा 1200 रुपये का। आपने अगर मेरी वीडियोस देखी है, रैगरपुरा वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखो, मैंने सेम दुपट्टा दिखाया है आपको, 300 या 350 रुपये का मैंने दुपट्टा दिखाया है, सेम टू सेम बिल्कुल। और ऐसे ही इसमें शीशे लगे हुए हैं, किसी में स्टोन लगे हुए हैं, सेम दुपट्टा मैंने आपको दिखाया है, तो आप जाके ज़रूर देखना। विदाउट स्टोन में भी दिखाया और स्टोन वाला भी, विदाउट स्टोन का तो 200 रुपये का था, और स्टोन वाला जो कि 300-350 रुपये का था। तो ये 1200 रुपये का एक दुपट्टा चार्ज करते, और सूट का चार्ज कर रहे थे पूरा 2500 रुपये का। तो अगर आप इस चीज़ की, इस तरह की चीज़ चाहते हो तो आप मेरी रैगरपुरा वाली वीडियो ज़रूर देखना, अगर यहाँ से चाहते हो तो यहाँ से ले सकते हो। बाकी ये जो पूजा में जो हमारे फूल यूज होते हैं, उन जो मतलब सूख जाते हैं, उनका इन्होंने यहाँ पे अगरबत्ती बना के दे रखी थी। और ये पूरा खादी का एक एरिया आ गया है, पूरा एरिया है जहाँ पे आपको खादी का सारा सामान मिलेगा, तो यहाँ से देख सकते हैं। बाकी ये बैम्बू से बनी हुई बहुत ही सुंदर चीज़ थी, जो कि चेयर थी, जो 2500 की भैया चार्ज कर रहे थे, सिर्फ बैम्बू से बना हुआ। और इसमें और भी आइटम थी, ये कप बना हुआ है 100 रुपीज़ का भैया चार्ज कर रहे थे, जो बैम्बू से बना हुआ था, बैम्बू से मतलब बैम्बू से कप बना हुआ, भाई साहब बहुत ही सुंदर लग रहा था, फर्स्ट टाइम देखा था मैंने। ये लैंप बना हुआ है इस तरह का,
आप ये हैंगिंग में भी लैंप चाहते हो तो वो भी आपको मिल जाएगा, और रेंज भी बहुत ही रीजनेबल थी। तो आप यहाँ से ये चीज़ तो ज़रूर कैरी कर सकते हैं अपने साथ, इस तरह की आइटम जो कि किचन आइटम के लिए भी अच्छी थी यहाँ पर, और अपने होम डेकोर के लिए भी बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन था अगर आप चाहते हो। बाकी यहाँ पे टॉय शॉप मिल जाएगी, जो कि मुझे बचपन एकदम याद आ गया था इस टॉय शॉप को देखकर। पूरा ये चीज़ें हमने सब यूज़ करी हुई अपने बचपन के अंदर, अब तो कहाँ मिलती है बच्चों को इस तरह की चीज़ें, और हमने सब यूज़ करी हुई है सब एकदम से। हम वहाँ पे खेलने लग गए थे, हम मेरी फ्रेंड और मैं दोनों गए थे वहाँ, इनसे खेलने लग गए थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। ये लकड़ी का लट्टू, ये भी बहुत अल्टीमेट था, बहुत खेले हैं हम इन चीज़ों से, आपको भी देख के एकदम याद आ गया होगा। और इनके प्राइस भी रीजनेबल थे, 100-150 इस प्राइस के अंदर भैया चार्ज कर रहे थे। ये 4-5 के अंदर ही एक अफगानिस्तान का स्टॉल था, यहाँ पर आपको मार्बल के बहुत ही सुंदर सुंदर होम डेकोर के आइटम मिल जाएगी। जैसे ये कछुआ था जो कि 15,000 रुपये का भैया चार्ज कर रहे थे, और इस तरह के आपको बड़े बड़े फ्लावर पॉट टाइप का चाहिए तो ये 3 लाख रुपये के 2 पीस, मतलब एक जो कि 1.5 लाख रुपए का था, तो आप यहां से ले सकते हैं। और एक ये शॉप थी भाई सूट्स की, दुबई का था पूरा स्टॉल, बहुत ही सुंदर था, इसमें लहंगा सूट मिल रहे थे जिनके रेंज मैं आपको बताती हूं। रेंज कॉस्टली था बट बहुत ही सुंदर, एकदम बहुत ही बढ़िया क्वालिटी आपको यहां पर मिल जाएगी, और रेंज के हिसाब से भी मेरे ख्याल से ठीक ही है, थोड़ा सा होगा ज़्यादा क्योंकि हम लोग बहुत ही कम प्राइस के अंदर मैं वीडियो डालती हूँ, प्रेफर करती हूँ कि कम प्राइस के अंदर ही हो, और इस तरह की मार्केट हमने देखी है जिसमें हमें बहुत ही कम प्राइस के अंदर सामान मिले हैं। बाकी अगर इस तरह का आप शादी के लिए सूट्स लहंगा वगैरह प्रेफर करते हो तो आप यहाँ से ले सकते हो, गोटा पत्ती के अंदर बहुत ही सुंदर सुंदर लहंगा सूट थे, लहंगा चोली मिल जाएगी आपको, जैकेट वाले सूट्स मिल जाएंगे, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो। और एक ये स्टॉल था इनका जो कि 2500 के अंदर कोसेट चार्ज कर रहे थे, तो आप यहाँ से इस तरह के कोसेट भी ले सकते हैं जो कि प्लेन में थे, मतलब थ्रेड वर्क में थी, अगर हैवी चाहते हो तो आप यहाँ से ले सकते हो। ये 15,000 रुपये का एक सूट था जो रेड वाला आप देख रहे हो ये दीदी के हाथ में है, ये पूरा शरारा के साथ था, शरारा चोली और ऊपर से जैकेट, बहुत ही सुंदर लग रहा था ये, मतलब सारी वैरायटी बहुत ही बढ़िया थी। इसमें मिरर वर्क आपको मिल जाएगा, इसमें गोटा पत्ती का वर्क मिल जाएगा, इसमें डिफरेंट थ्रेड वर्क मिल जाएगा, और कपड़ा भी प्योर का था, तो आप यहां से इस तरह की आइटम ले सकते हैं। शादी के लिए, आपकी शादी होने वाली है या शादी में पहनने के लिए आपको चाहिए, लड़के वाले लड़की वाली के लिए एक अच्छा चीज़ चाहिए होती है अट्रैक्टिव, जो जाएँ तो आपको एकदम अलग से दिखाई दे, वो वाली चीज़ यहाँ पर मिल रही थी, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम आ गए ये ईरान के हॉल में, ईरान के हॉल में आपको जो ईरान में चीज़ें मिलती हैं उस टाइप की आपको ज्वेलरी मिल जाएगी, वॉल क्लॉक मिल जाएगी आपको, डिफरेंट टाइप की यहाँ पर सेफ्रन मिल जाएगा, शहद मिल जाएगा, तो आप यहाँ से वेयर कर सकते हैं इस तरह की चीज़ें। ये मेरे को वॉल क्लॉक बहुत ही सुंदर लगी, इनके प्राइस भी मैंने मेंशन कर दिए हैं, प्राइस भी भैया ने बताया 5,000 रुपये का भैया इसको चार्ज कर रहे थे, और बहुत ही डिफरेंट लगेगी आपके घर में लगी हुई, तो यहाँ पर आप इनकी इराक की ज्वेलरी भी आप यहाँ से ले सकते हैं। रेंज जिनके अलग अलग रेंज है 4,000-5,000, और मतलब इसी रेंज के अंदर आपको मिलेगा, तो आप यहाँ पर ज़रूर आइए एक बारी, ज़रूर से आइए, मेरी वीडियो देख के ज़रूर आना, आपको बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। बाकी आपको यहाँ पे ड्राई फ्रूट मिल जाएगा, और हमने तो बस खाने की झड़ी लगाई दी, और आप जितना मर्जी खा सकते हैं, ले लेके जितना मर्जी आप उठा उठा के खा सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, बहुत ही अच्छा टाइप का यहाँ पर ड्राई फ्रूट मिल रहा था, तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। बाकी आप गेमिंग जोन है यहाँ पर, इस तरह की आपको गेम खिलाएंगे, तो गेम भी ये म्यूज़िकल चेयर चल रही थी तो वो भी आप कर ले, मतलब खेल सकते हैं। और एक ये मेरे को बहुत ही, मैं पहले भी आई थी, मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो डाली थी जो कि डिलीट कर दी है यूट्यूब ने, तो उसमें दिखाई थी मैंने आपको, ये 1,40,000 रुपये की पूरी पेंटिंग है, एकदम बहुत ही बड़ी, जो कि वुड से बनी हुई है, पूरा वुड को एकदम तराश के ऐसे बनाई हुई है, और एक पूरे वुड के
उस पर एक एक करके ऐसे चिपकाई हुई है, बहुत ही सुंदर थी। और इसमें कमलिन ने भी थी, आप देख सकते हैं। बाकी ये यूनानी दवाखाना भी यहाँ पर था, तो वो भी आप देख सकते हैं। अगर इस तरह की आप दवाई लेते हैं तो ये भी देख सकते हैं। एक ये वाला पूरा हॉल था, बहुत ही सुंदर था। ये स्टोन होते हैं जो कि समुद्र से निकलते हैं, इनके जो प्राइस होते हैं वो लाखों के अंदर होते हैं। तो आप अगर देखने के लिए इस तरह की चीज़ें आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, अगर लेना चाहते हैं तो आप ले भी सकते हैं। मतलब इतना डिफरेंट डिफरेंट टाइप का स्टोन था जो समुद्र की गहराई के अंदर निकलता है, या पहाड़ों के अंदर से इस तरह का स्टोन निकलता है, जिसकी एक अलग ही चमक होती है, एक अलग ही मतलब क्वालिटी होती है, एक अलग ही चीज़ होती है। बिल्कुल आपको एक अलग दुनिया में लेके जाएगा ये चीज़। अगर आप डाल के देखेंगे यूट्यूब पे, तो आपको इस तरह के बहुत सारी आइटम मिलेंगी देखने के लिए। लेकिन आपको अगर लाइव देखना है तो आप इसको ट्रेड फेयर में आके देख सकते हैं। ये किस किस जगह का है वो सब मेंशन किया हुआ है, कहाँ कहाँ निकला है, तो ये सब मैंने आपको दिखाया हुआ है। इसीलिए मैंने आपको दिखाया कि आपको पता चले कि कहाँ कहाँ से ये निकला है, कौन सी जगह से। बाकी ये गेमिंग जोन है, ये फ्री गेमिंग जोन है। आप इस तरह का गेम अगर खेलना चाहते हो तो वो खेल सकते हो, जैसे ये खेल रहे हैं। और इनके भैया ने प्राइजेस भी रख रखे थे, जैसे जो जीतता है उसको प्राइज मिलेगा। तो ये जो लड़की है जो खेल रही थी, ये पूरा इसने कंप्लीट कर लिया था, बट जो लास्ट वाला है ना उसमें ये रह गई थी। होता है कभी कभी ऐसे रह जाते हैं। और यहाँ पे मैजिक भी दिखाया जा रहा था। तो ये थी मेरी 1 से 5 हॉल तक की ये वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और मेरा सेकंड पार्ट आने वाला उसको ज़रूर देखना। मिलती हूँ मैं आपसे सेकंड पार्ट में।